हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। ये चाइना किट है, ये चाइना किट का बेस बोर्ड के बारे में। ठीक है, आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा ये बेस बोर्ड का जो वोल्टेज होता है, कौन कौन पोजीशन पर कौन कौन वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, इसका ऊपर मैं डिटेल आपको दिखाऊंगा। ये रनिंग एक पीसीबी है, ये रनिंग पीसीबी से मैं आपको डायरेक्ट मीटर लेके चेक करके देखाऊंगा। तो उसका पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये बेस कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, ये बिग निक वाला बेस का ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और दोस्तों ये बेस स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो बिग निक का जो पिन फंक्शन होता है, ये पीछे डूब का जो पिन और स्मॉल निक का जो पिन फंक्शन होता है वो अलग होता है। ठीक है, तब भी अब एक बार देख लीजिए इसका पिन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में आपको बिग निक वाला बेस का ऊपर आपको दिखाऊंगा बेस बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बेस तीनों मेन कलर ट्रांजिस्टर यूज़ किया है इस बेस बोर्ड में। ठीक है, और एक टाइप बेस देखा जाता है वो नॉन ट्रांजिस्टर वाला बेस बोर्ड। ठीक है, और एक भी टाइप बेस देखा जाता है कि वो आईसी का बेस बोर्ड है। ठीक है, तो दोस्तों वो बेस का अलग अलग पिन पर अलग 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 वोल्टेज होता है। तो दोस्तों आज जो आपको देखूँगा ये तीनों कलर ट्रांजिस्टर का बेस बोर्ड का ऊपर। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली ये इसका जो मेन सप्लाई होता है, फर्स्ट एक 180 वोल्ट सप्लाई ये बेस पर आता है। ठीक है, आपको एक बार क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ये जो तीनों रेजिस्टेंस होता है, ये तीनों रेजिस्टेंस एक ही लाइन पर कनेक्शन है। ठीक है, इस पिन पर 180 वोल्ट आता है। ठीक है, और ये पिन पर 180 वोल्ट आने का बाद ये देखिए जो तीनों रेजिस्टेंस, ये तीनों ट्रांजिस्टर पर चला गया है। ठीक है, ये आप तीनों कलर ट्रांजिस्टर आप देख सकते हो। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर का जो नंबर इस पर प्रिंट है 2482। ठीक है, 2482 का ये तीनों ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों इस पर बहुत कुछ ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। इसके ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो है, ये पीसीबी का जो जो पार्ट्स होता है सभी का ऊपर मैं सब्स्टिट्यूट दिखाया उस वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आइए उसका बाद आपको जो दिखाऊँगा कि देखिए ये जो मेन तीनों जो सप्लाई होता है 180 वोल्ट का जो सप्लाई, ये सप्लाई तीनों रेजिस्टेंस होने का बाद तीनों ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा, तीनों मिडिल पिन पर जाता है और तीनों मिडिल पिन का जो वोल्टेज होता है ये आपको अभी चेक करके देखूंगा। ठीक है, और उसका बाद ये ट्रांजिस्टर को अलग अलग छोटा छोटा कुछ रेजिस्टेंस और पीएफ ये रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट करने का बाद वो वोल्टेज ये जो ये पीछे ट्यूब का जो अलग अलग पिन होता है इस पिन पर वोल्टेज जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर पर एक तीनों कलर सिग्नल आता है, वो कलर सिग्नल आता है ये वायर का थ्रू। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो वायर होता है, ये वायर डायरेक्ट पीसीबी से कनेक्ट है। ठीक है, ये वायर से जो सप्लाई आता है, ये वायर का एक नेगेटिव पिन होता है, नेगेटिव वायर होता है, और एक 80 वोल्ट का लाइन होता है, सॉरी 8 वोल्ट का लाइन होता है, एक 8 वोल्ट का लाइन होता है, और तीनों RGB का लाइन होता है, रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो वो जो कनेक्शन डायरेक्ट ये बेस बोर्ड पर आता है। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो ये पिन पर आपको 8 वोल्ट और 9 वोल्ट देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये बी कलर का पिन है जो ब्लू होता है, उसके बाद जी कलर का पिन है ये ग्रीन होता है, और उसके बाद ये रेड कलर का पिन है, ये रेड आर मतलब रेड होता है। ठीक है, इस पर RGB तीनों पिंट है, और ये लास्ट वाले ग्राउंड होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर तीनों कनेक्शन देखा जाता है, ये वायर का थ्रू बेस बोर्ड ये जो मेन पीसीबी से आता है। ठीक है, यहाँ पर जो तीनों कनेक्शन होता है, एक 180 वोल्ट का लाइन है, और मिडिल पिन हीटर होता है, और ये साइड वाला ये ग्राउंड होता है, कभी कभी इधर पिन ग्राउंड होता है, इधर मिडिल पिन ग्राउंड होता है, और ये साइड पिन हीटर हो जाता है। ठीक है, तो और ये जो 180 वोल्ट का जो लाइन होता है, आप देख सकते हो यह से एक जम्पर कर दिया गया है, और ये तीनों रेजिस्टेंस का साथ कनेक्शन है। ठीक है, ये 180 वोल्ट यहाँ पर आता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए यह पिन पर जो RGB पॉइंट होता है, ये RGB पिन यहाँ पर डायरेक्ट IC से, ये जो प्रोसेसर IC से तीनों RGB पिन होता है, तीनों RGB पिन से मिडिल एक रेजिस्टेंस दिखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होने का बाद ये वायर से डायरेक्ट ये बेस बोर्ड पर आता है, और
यहाँ पर वो लाइन से तीनों जिनर डायोड आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस पर 4148 डायोड भी आप देख सकते हो। कभी कभी ये डायोड 8 वोल्ट लाइन का साथ फॉरवर्ड करके कनेक्शन देखा जाता है, और कुछ कुछ पीसीबी पर ये डायोड नेगेटिव के साथ कनेक्शन देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कलर प्रॉब्लम के लिए सिर्फ ये पीसीबी को आपको देखना नहीं होगा, उसका साथ इसका जो तीनों रेजिस्टेंस ये आपको चेक करना होगा, ये वायर का जो पॉइंट ये चेक करना होगा, और उसका बाद ये जो तीनों डायोड होता है ये भी आपको चेक करना होगा, और इसका आईसी भी आपको चेक करना होगा। ठीक है, यहाँ से कितना वोल्ट यहाँ पर आता है वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है तो दोस्तों, और ये जो पॉइंट होता है ये ESD का फोकसिंग पिन होता है, ठीक है, सॉरी G2 पिन होता है। ये G2 वोल्टेज यहाँ पर आता है, और ये डायरेक्ट ये फिलामेंट पिक्चर ट्यूब का एक पिन पर डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, और इस पर एक PF देखा जाता है। कभी कभी ये PF शॉर्ट होने के लिए लाइट आउट हो जाता है, ब्लैक स्क्रीन हो जाता है। ठीक है, और उसका साथ ये फोकसिंग का एक कनेक्शन है जो बेस का अंदर ये कनेक्शन होता है। तो दोस्तों ये PCB का कुछ भी पार्ट्स का साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये सभी बेस का ये एक ही सेम सिस्टम होता है, और बेस बोर्ड का जो लुक ये भी अलग होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अलग अलग कंपनी अलग अलग ड्राइंग करके ये बेस बनाया। तो दोस्तों आपके पास देखा देता हूँ। देखिए ये पिन पर जो कनेक्शन है, और ये पिन का साथ दोस्तों ये मिडिल पिन का साथ कनेक्शन है। ठीक है, ये जो फोकसिंग का मिडिल पिन का साथ कनेक्शन है, तब भी दोस्तों इस पिन से अड़क भी इस पर एक पत्ती देखा जाता है इसका अंदर, वो पत्ती ये निगेटिव का साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इस पर जो वोल्टेज आता है ये निगेटिव के साथ फायरिंग होता है, फायरिंग इसका हिसाब से होता है। जब इसका जो नेगेटिव का पत्ती और इसका जो पत्ते अंदर है ये सल्फर के बजाय पिक्चर जो क्वालिटी वो धुआं धुआं हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बेस को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए मैं इसका वोल्टेज आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। मैं बेस को कनेक्शन काट देता हूँ। और वोल्टेज आपको एक बार चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं PCB को सेट कर लेता हूँ, और 200 DC रेंज पर मीटर को मैं सिलेक्ट किया है। ठीक है, और PCB पर मैं लाइन दे देता हूँ। दोस्तों PCB पर मैं लाइन दे दिया। फर्स्ट आपको जो दिखाऊंगा इसका ये जो पिन होता है, इस पर 180 वोल्ट का ये लाइन है। इस पर वोल्टेज देखिए ये 168, ठीक है, ये 150 वोल्ट आएगा तो इस पिन पर, तब भी इसका जो पिक्चर क्वालिटी ये ओके देखेगा। ठीक है, और उसका बाद इसका मिडिल पिन ये हीटर पिन है। और दोस्तों ये हीटर जो फिलामेंट सप्लाई होता है ये AC 4 वोल्ट होता है, इसलिए ये DC रेंज पर मैं मीटर को सिलेक्ट किया, इसलिए वोल्टेज नहीं दिखाएगा। और AC रेंज पर सिलेक्ट करने के बाद इसको वोल्टेज देखा जाएगा, तो बाद में आपको दिखाऊंगा। और ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, और उसका बाद ये पिन पर 8 और 9 वोल्ट आना चाहिए, ये IK पिन है, आप देख सकते हो इस पिन पर 8 वोल्ट है। और उसका बाद ये बी ब्लू सिग्नल ये पिन पर आता है, इस पर वोल्टेज देखिए 2.8 है। ठीक है, और उसका बाद जी पिन पर वोल्टेज देखिए 2.3 है। और उसका बाद आर पिन पर वोल्टेज देखिए 2.3 है। दोस्तों ये तीनों वोल्टेज डायरेक्ट IC से आता है। ठीक है, और इधर पिन ग्राउंड है। ठीक है, और ये जो 180 वोल्ट का जो सप्लाई ये जो तीनों रेजिस्टेंस पर आता है, आप देख सकते हो ये डायरेक्ट एक एक रेजिस्टेंस होने का बाद ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर जाता है, जो तीनों कलर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, ये सेमी वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर का अलग अलग वोल्टेज आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों
एक ट्रांजिस्टर का ऊपर ही मैं देखाऊंगा, तीनों ट्रांजिस्टर पिन पर ही आपको सेम वोल्ट इसी तरह देखना होगा, ठीक है। फर्स्ट आपको दिखाऊंगा कि ये जो ट्रांजिस्टर होता है, एक ट्रांजिस्टर को आपको दिखाता हूँ। ये पिन पर देखिए 133 वोल्ट के आसपास, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन है और उसका नीचे देखिए 2.2 वोल्ट जो वोल्टेज है दोस्तों, ये पिन से जाता है, ठीक है। और एक पिन, ये ऊपर वाला पिन आपको देखूंगा, ये 1.9 वोल्ट का आसपास है और 2 वोल्ट भी हो सकता है। ये अलग लाइन से वोल्टेज आता है, तो इसी हिसाब से तीनों ट्रांजिस्टर का वोल्टेज इस तरह आपको देखना होगा, ठीक है। और उसका बाद आपको देखूंगा ये तीनों जो हाई वोल्टेज होता है, ये ट्रांजिस्टर रेगुलेशन करने का बाद ये अलग अलग पिक्चर ट्यूब पिन पर जाता है। तो फर्स्ट आपको दिखा देता हूँ, ये इधर वाला जो पिन होता है ये ओपन पिन है, ठीक है। और उसका बाद ये बी कैथोड का पिन है, ठीक है। इस पर वोल्टेज आप देख सकते हो 130 वोल्ट का आसपास, ठीक है, 130 वोल्ट। और उसका बाद ये ग्राउंड का पिन है, और उसका बाद ये हीटर का पिन है, और उसका बाद ये आर कैथोड का पिन है। इस पर वोल्टेज इस तरह सेम देखने को मिलेगा, ठीक है, आर कैथोड का पिन है। और उसका बाद ये जी पिन है, जी टू का पिन है। इस पिन पर वोल्टेज आप देख सकते हो 35 वोल्ट का आसपास है, डीसी वोल्ट। और दोस्तों ये पिन पर वोल्टेज आप वेरी कर सकते हो, ये जो ईएसटी का जो नीचे वाला पॉइंट होता है, ये आप घुमाने का बाद, ठीक है, ये आप जब घुमाएगा इसी हिसाब से ये जी टू पिन का वोल्टेज वेरी होगा, ठीक है। और उसका बाद आपको जो देखूँगा, ये तो बी कैथोड का पिन है और ये रेड कैथोड का पिन है, और उसके बाद ये जी कैथोड का पिन है। इस पर वोल्टेज आप देख सकते हो 132 वोल्ट का आसपास है, ठीक है। और उसके बाद ये पिन ग्राउंड है, ठीक है। और दोस्तों ये टीवी को मैं सेव नॉर्मली पिक्चर नहीं दिया, और इस तरह मैं ये ऑन करके रखा है। उसके बाद आपको एक बार एसी वोल्ट जो फिलामेंट सप्लाई होता है, मैं मीटर को एसी रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मीटर को एसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, करने के बाद आपको एसी वोल्टेज जो फिलामेंट सप्लाई होता है, दोस्तों ये फिलामेंट सप्लाई का पिन है, ठीक है, ये फिलामेंट पिन है। इस पर दोस्तों देखिए एसी 4 वोल्ट है, ठीक है, ये फिलामेंट सप्लाई एसी 4 वोल्ट है, ठीक है। और दोस्तों ये फिलामेंट का ये नेगेटिव पिन है, ओके। तो दोस्तों लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। और दोस्तों और एक बात ध्यान दीजिए कि मैं जब पिक्चर देगा, ठीक है, पिक्चर देख के ये कैथोड पिन को वोल्टेज चेक करूँगा। मैं पिक्चर दे दिया, मैं पिक्चर दे दिया, आप देख सकते हो। और पिक्चर देने के बाद जब आप ये तीनों कैथोड पिन का वोल्टेज आप चेक करेगा, ये वोल्टेज अप डाउन करेगा, ठीक है। ये देखिए मैं बी पिन को आपको दिखाता हूँ, ये बी पिन है, और इसका वोल्टेज अभी देखिए ये फ्लक्चुएट होगा, ठीक है, आप देख सकते हो ये बी पिन का वोल्टेज अभी फ्लक्चुएट होता है। सॉरी, ये एसी रेंज पर मैं रखा है, डीसी रेंज पर काट लेता हूँ। देखिए ये बी पिन का जो वोल्टेज, ये देखिए ये फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। इसी तरह इसका जो अलग अलग पिन होता है, ये आर पिन होता है, आर कैथोड का पिन है, ये आर कैथोड का पिन है। इस पिन पर वोल्टेज आप देखिए ये भी फ्लक्चुएट होने लगता है, ठीक है, क्योंकि इसी का जो हिसाब होता है आपको बताता हूँ। उसका बाद जी पिन को आपको दिखा देता हूँ, ये जी पिन होता है, ये जी पिन पर वोल्टेज दोस्तों देखिए ये भी वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि इसका जो हिसाब होता है स्क्रीन पर आप देख सकते हो अलग अलग कलर आता है, ठीक है। ये अलग अलग जो कलर आता है, ये कलर जिस कलर अधिक आ जाएगा स्क्रीन पर, उसी हिसाब से इसी कलर का पिन वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये पीसीबी को ये पिक्चर ट्यूब से ओपन करके वोल्टेज टेस्ट चेक करेगा, तभी आपका एक्यूरेट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो मैं सेट स्टॉप कर दिया है, और उसका बाद थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ।
मान लो कोई भी पिन पर ये तीनों कलर पिन पर वोल्टेज बहुत ड्रॉप है, तो इसीलिए आपको देखना होगा कि उसी का कलर लाइन का जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, ये देखिए ये जो ट्रांजिस्टर होता है और ये जो रेजिस्टेंस होता है वो आप इस तरह टच करें। टच करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों रेजिस्टेंस हीट होता है, लेकिन ओवर हीट जब होगा तो इसी के लिए आपको पता करना होगा कि वो सेक्शन का ही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों उसी का हिसाब से उसका ट्रांजिस्टर भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो सिग्नल लाइन होता है, मान लो ये आर जो होता है, आर कैथोड का पिन वोल्टेज ड्रॉप है, तो ये आर कैथोड का ट्रांजिस्टर भी प्रॉब्लम हो सकता है, और ट्रांजिस्टर का बायसिंग पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो आर सिग्नल होता है, जिस पिन पर आर सिग्नल आता है, ये आर सिग्नल का जो लाइन होता है जो वायर से आता है ये किट पर मेन पीसीबी पर, ये सेक्शन का ये डायोड भी प्रॉब्लम हो सकता है, रेजिस्टेंस भी प्रॉब्लम हो सकता है, और इसका आईसी भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और कुछ कुछ टाइम ये पिक्चर ट्यूब का जो कैथोड पिन होता है ये अंदर से शॉर्ट हो सकता है। तो जब ये पीसीबी को ओपन करके आप चेक करेगा तो फर्स्ट तो आपको पता चल जाएगा कि पिक्चर ट्यूब शॉर्ट है कि नहीं है। और दोस्तों पिक्चर ट्यूब से ओपन करने के बाद तभी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इसका जो मेन जो आरजीबी लाइन होता है, एक एक लाइन इसका पॉइंट पर एक एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, जिस रेजिस्टेंस का थ्रू ट्रांजिस्टर पड़ जाता है। ये रेजिस्टेंस एक एक ओपन करके आप देख सकते हो ये पॉइंट पर वोल्टेज, ये कैथोड पिन पर वोल्टेज आता है कि नहीं। इसी का ऊपर आपको पता चल जाएगा कि ये सिग्नल लाइन का प्रॉब्लम है कि ये बेसबोर्ड का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। जब दोस्तों देखेंगे कि ये तीनों रेजिस्टेंस जिस ट्रांजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, वो रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद जब देखेगा वोल्टेज आ गया, तो इसी का हिसाब से आपको ये तीनों जो डायोड होता है, डायोड देखना होगा, ये रेजिस्टेंस देखना होगा, और उसके बाद ये आईसी भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा है आपको, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों मैं एक टेलीग्राम चैनल और एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, वहाँ पर आप आ सकते हो, आप खुद वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम का ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम का ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मेरे वीडियो का अंदर कुछ अमेजन एफिलिएट लिंक देख के रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बुक का ऊपर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का ऊपर, आप वह लिंक फॉलो करके आप वो अमेजन पर जो मैं लिंक देख के रखा है कुछ बेस्ट मीटर का, और मैं जो मीटर यूज़ करता हूँ ये मीटर का आप अमेजन से खरीद कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।